जैसे एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है अभी, है अगर मैं इसे स्ट्रेच करूंगा तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे। अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन एफ है, एक्स है, तो हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग खुद अंदर फोर्स लगाती है, हमें बाहर लगाना पड़ता है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग को खींचने या दबाने से चेंज नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग को काटने से चेंज हो जाता है। ये बात पता है या नहीं पता? डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, एसएचएम में बताऊंगा ये बात। स्प्रिंग को काटने से उसका के बढ़ जाता है, जितनी छोटी स्प्रिंग होती है उतना ज्यादा कांस्टेंट होता है। ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे ज्यादा डिटेल में काम नहीं आएगी, अभी तो बस के काम आएगा। हमें वर्क डन निकालना है बच्चों। एक स्प्रिंग को यहां से यहां ले गया, तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालें तो मेरे पास वेरिएबल फोर्स है ना, कितना के एक्स, इसे इंटीग्रेट करने पर आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग खुद निकालें तो स्प्रिंग का खुद का फोर्स होता है माइनस के एक्स, तो ये आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाहर होता हो रहा है और स्प्रिंग का फोर्स अंदर है। इसी तरह अगर नेचुरल लेंथ से हम एक स्प्रिंग को अंदर दबाते तो भी स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होता, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को दबाएंगे, स्प्रिंग का वर्क डन बोल रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो फोर्स बाहर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, एक स्प्रिंग को अगर हम नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करें या कंप्रेस करें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होता है और उतना होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बट अपोजिट है, अगर हम एक बॉडी को स्प्रिंग से अटैच कर दें, एक बॉडी स्प्रिंग से अटैच्ड है और स्प्रिंग अभी खींचा हुआ है एक्स, और यहां से हम छोड़ दें, हमने ऐसे खींचकर छोड़ दिया और बॉडी वापस गई अंदर, नेचुरल लेंथ तक स्प्रिंग का वर्क डन आएगा पॉजिटिव। क्यों? अगर इलोंगेटेड पोजीशन से अंदर जा रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स भी अंदर है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं इसे दबाकर और फिर छोड़ता तो भी वर्क डन पॉजिटिव आता। फार्मूला आपको हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करना है, बस ये याद रखना है। अगर नेचुरल लेंथ से इलोंगेट या कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आएगा, और इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड पोजिशन से नेचुरल लेंथ में आ रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव आएगा। वैल्यू सेम है। और नेचुरल लेंथ से अगर एक इलोंगेटेड पोजीशन से दूसरी इलोंगेटेड पोजीशन तक ले जाए तो लिमिट हमें एक्स वन से एक्स टू चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमने जीरो से एक्स लगाया, इसलिए ये फार्मूला आया है, ये हमेशा ध्यान रखना, वरना बच्चे हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। अगर हम कहें एक स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर पहले खींचा, 10 और खींचा, तो 10 और खींचने में हाफ के एक्स स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगेगा, हाफ के 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लगेगा, क्योंकि पहले इलोंगेशन 10 था और बाद में इलोंगेशन 20 है। कॉपी कर लो।
सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। एक स्प्रिंग है, सुन लो, उसे नेचुरल लेंथ से पहले इलोंगेट किया, स्मॉल ए डिस्टेंस है, इसमें वर्क डन आया डब्ल्यू वन, फिर बी स्मॉल बी और इलोंगेट किया तो दोबारा वर्क डन आया डब्ल्यू टू। आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। एक स्प्रिंग को पहले नेचुरल से ए खींचा, वर्क डन इज डब्ल्यू वन, फिर बी और खींचा, वर्क डन इज डब्ल्यू टू। कैलकुलेट रेशियो डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू। देखिए, पहले वाले केस में नेचुरल लेंथ से ए तक गया है, वर्क डन आएगा हाफ के ए स्क्वायर। उसके बाद बेटा ए से बी तक नहीं गया, ए से ए प्लस बी तक गया है, मैंने बोला बी और खींचा, तो ये वर्क डन आएगा हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करने पर के और टू कटेगा, ऊपर ए स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तो अगर आपने लिमिट ए से बी लगा दी तो गलती कर दी, ए से ए प्लस बी लिमिट लगानी है, तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। वो यहां पर वर्क एनर्जी पावर यूज करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक स्प्रिंग है, वो रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नीचे एक एम मास की बॉडी, टू केजी, न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा वरना फायदा ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड है और स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। यूनिट पर ध्यान देना। बॉडी ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, ये बॉडी स्प्रिंग में कितना प्रोड्यूस करेगी। कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। देखिए, आप लोग इसे इस तरह से करते हैं अक्सर कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ के एक्स स्क्वायर, उससे एक्स निकाल लेते हैं। लेकिन अभी तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया ही नहीं है, तो इसलिए मैं उस मेथड को यूज नहीं करूंगा। इक्वेशन सेम ही आएगी, आंसर भी सेम ही आएगा, मैं इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से करूंगा। बच्चों जब बॉडी स्प्रिंग से अटैच होगी, कनेक्ट होगी, तो स्प्रिंग बॉडी को हॉरिजॉन्टल पुश करेगी। दिस इज द ओनली फोर्स ऑन दिस बॉडी। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग, और तो कोई है ही नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो। इनिशियल कितना है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो ये बेटा वही इक्वेशन आ गई, माइनस कर गया, हाफ कर गया, एक्स मैक्सिमम आ गया, वी नॉट अंडर रूट एम बाई के। वी नॉट कितना है? 10। मास कितना है और के कितना है? 10^-7 नीचे है। उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 ऊपर जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 1000। समझे? कुछ गलती की क्या मैंने? मैंने गलती की नहीं की ना? हाँ बच्चों, ये 10 अंदर जाकर 100 हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 1/√5 मीटर। रूट फाइव 2.23 होता है। अगर आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100/2.23 वो कैलकुलेट कर लेना आप, जो भी आएगा। मैंने बोला था ना कि यूनिट पर ध्यान देना। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट स्पीड ऑफ दिस बॉडी, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी व्हेन कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। When compression in spring is half of the maximum, जब compression maximum का आधा होगा उस समय velocity बतानी है। देखिए बेटा, हम वर्क एनर्जी थ्योरम जब यूज करते हैं तो एक इनिशियल पोजीशन से और एक फाइनल पोजीशन तक यूज करते हैं। इनिशियल पोजीशन यही ले लेते हैं जब बॉडी टकराई, फाइनल पोजीशन वो लेते हैं जब मैक्सिमम का हाफ हुआ। ऐसे सुनिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम के आधे का होल स्क्वायर।
सही लिखा है ना, माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है माइनस आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वीओ स्क्वायर, हाफ काटो, माइनस के कितना है बेटा 1000, एक्स मैक्सिमम कितना है मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 √5 का होल स्क्वायर 20, बोलो बेटा। हाँ, मास कितना है 2, वी स्क्वायर माइनस 100, वीओ 10 है, ये 50 आएगा ना, माइनस 25 वी स्क्वायर माइनस 100, वी स्क्वायर आएगा 75, वी आएगा 5√3 मीटर पर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। बच्चों अब जो हमारे पास सरफेस है अगला वो रफ है, क्वेश्चन ढंग से सुनना। बोलो, एक स्प्रिंग है, इससे ये एम मास की बॉडी अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इस बॉडी और ग्राउंड के बीच में कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जीरो नहीं है, फ्रिक्शन लेस नहीं है, रफ सरफेस है। बच्चों इस बॉडी को ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ है, मैं इस बॉडी को यहां तक ले गया, मतलब मैंने कंप्रेस किया, ए बॉडी को ए डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग को ए कंप्रेस किया और छोड़ दिया, बॉडी वापस आएगी। कंडीशन बस इतना है कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी इस समय वो होगा के ए, के ए होगा ना, के एक्स होता है स्प्रिंग का फोर्स, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी, वरना बॉडी अपनी जगह से। चलो मैंने मान लिया फ्रिक्शन इतना नहीं है, फ्रिक्शन बहुत कम है लेकिन है, तो ये बॉडी वापस आएगी और यहां पर भी इनर्शिया से रुकेगी नहीं, अल्टीमेट यहां पर कहीं जाकर रुकेगी। तो क्या स्प्रिंग जितना कंप्रेस हुई उतना इलोंगेट होगी? बोलिए, ज्यादा होगी कम होगी? क्योंकि फ्रिक्शन में भी लॉस होगा। बच्चों ये बॉडी यहां तक गई, वो डिस्टेंस बी था, बी, और हम जानते हैं बी ए से कम होगा, हमसे उस का डिफरेंस पूछा है ए माइनस बी। पहले स्प्रिंग में कंप्रेशन ए था लेकिन फाइनल इलोंगेशन बी है, ए माइनस बी बताना है।
देखो बेटा, आप सिर्फ वो करो जो अभी तक हम कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इधर देखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा बॉडी की स्पीड यहां भी जीरो थी जहां से हमने छोड़ा था, और बॉडी यहां जाकर रुकी तो यहां भी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का वर्क कितना होगा? पहले स्प्रिंग कंप्रेस्ड पोजीशन से नेचुरल लेंथ तक आई, कितना वर्क डन होगा? पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ए। फिर नेचुरल लेंथ से इलोंगेट हुई तो वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस हाफ के बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया ना आज के लेक्चर में, जब स्प्रिंग को हम नेचुरल लेंथ से कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होता है, लेकिन जब वो कंप्रेस्ड या इलोंगेटेड पोजीशन से नेचुरल लेंथ में आती है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होता है। इसलिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, टोटल वर्क जीरो जीरो। ये रह गया, इस बार बॉडी पर स्प्रिंग के अलावा एक फ्रिक्शन और लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन और लेना है, कितना आएगा? फोर्स म्यू एम जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी। कल ही आपको बताया था लेंथ ऑफ पाथ आता है नॉन कंजर्वेटिव है, तो टोटल कितना चला? ए प्लस बी, और माइनस आएगा फोर्स, फ्रिक्शन इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसे जीरो करो। के बाई टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू, और इसको उधर ले जाओ म्यू एम जी, ए प्लस बी कट जाएगा तो ए माइनस बी आएगा टू म्यू एम जी बाय के। तो जब हम किसी बॉडी को स्प्रिंग से अटैच करके, सुनना सुनने वाली चीज है, एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, उससे मैंने एक बॉडी को अच्छे से अटैच किया, नीचे हाथ लगा रखा है, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाया, बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आकर रुक जाएगी और मैं अपना हाथ हटा लूंगा, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। सुन रहे हैं? ये नेचुरल लेंथ है, धीरे 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 बॉडी को यहां तक लाए और छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में ऊपर लगेगा के एक्स, नीचे लगेगा एम जी, ये इक्विलिब्रियम है, तो के एक्स माइनस एम जी जीरो होगा, इसको एक्स की जगह एक्स नॉट लिख देते हैं, तो एक्स नॉट कितना हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम, इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन को एक दूसरी सिचुएशन से कंपेयर कीजिए, ये कोई स्प्रिंग है, यहां पर एक बॉडी अटैच की है, नेचुरल लेंथ है बेटा, यहां पर मैंने बॉडी को रखा हुआ है, धीरे धीरे नीचे लाने की अपने हाथ को हटा लिया, तो ये बॉडी धड़ाम से नीचे आएगी और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर रुकेगी, फिर वापस ऊपर आएगी, एसएचएम करेगा,
हमें SHM डिस्कस नहीं करना, हमें डिस्कस करना है बॉडी मैक्सिमम कितना नीचे गई। बेटा इससे तो ज्यादा जाएगी ना, क्योंकि हमने छोड़ा है, छोड़ने की वजह से जब ये यहां पहुंचेगी तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, एंड उस इनर्शिया की वजह से ये नीचे जाएगा। बच्चों मैक्सिमम इलोंगेशन ज्यादा होगा हम जानते हैं, वो हम मान लेते हैं एक्स है, ये हम मान लेते हैं एक्स है। इस एक्स को कैसे निकालें? वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके लिए ये चैप्टर ये टॉपिक बनाए पूरा। बच्चों यहां पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? मैंने रिलीज किया है, और मैक्सिमम कंप्रेशन सॉरी इलोंगेशन पर भी जीरो है। यहां से बीच में एक पोजीशन आएगी, वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहां से यहां तक तो एक्सेलरेशन होता है, और यहां से यहां तक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों होगा? क्योंकि mg छोटा हो जाएगा, kx बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो रिटार्डेशन होगा, और यहां आकर वापस जीरो। बेटा यहां से और यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ढंग से सुनना है इसको, ये डिस्कशन आगे वाले बहुत सारे डिस्कशंस का बेस है। बेटा बॉडी यहां से यहां पहुंची, कितने फोर्स लग रहे हैं? नीचे mg। नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन हुआ है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस आएगा, और mg तो कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट x है, तो mg का वर्क डन पॉजिटिव आएगा पहली बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, mg भी नीचे है, और सीधे सीधे फोर्स इंटू, बेटा स्प्रिंग में कभी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मत करना, क्योंकि kx कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए तो ये हम डिराइव कर चुके हैं। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां भी जीरो यहां भी जीरो, तो चेंज भी। बेटा इसे सॉल्व करके एक्स आएगा 2mg/k। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे रटा हो, रटना मत, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चंस में ये वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा और आंसर भी चेंज आएगा। बिल्कुल नहीं रटना, ये रटना नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम का डबल होता है। बेटा हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बहुत बेसिक चीज पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट क्या करता है उस बेसिक रिजल्ट को, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को रिजल्ट मानकर रट लेता है, और वही उसकी गलती होती है। मैक्सिमम इलोंगेशन इक्विलिब्रियम का डबल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ ये एक इलस्ट्रेशन मान लो आप। मैंने आपको काम करना सिखाया है, कैसे मैक्सिमम निकालते हैं और कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं, करेक्ट। इसके अलावा एक चीज और पूछ सकता है, अगर वो आपसे इस बॉडी की मैक्सिमम स्पीड पूछ ले, तो ये तो हमने बता दिया मैक्सिमम स्पीड वहां होगी जब ये यहां क्रॉस करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक एक्सेलरेट हो रहा था और यहां से यहां तक रिटार्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। लेकिन उस वी को निकालेंगे कैसे? बेटा यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ना, क्योंकि इस बार एक्स तो पता है, ये वाला एक्स पता है ना, ये रहा वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये काम आप कर लेना, ये पूरा डिस्कशन कॉपी कर लो।
वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ कॉपी किया होगा। वी मैक्सिमम निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्टिंग से और नेचुरल इक्विलिब्रियम तक लगाएंगे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक ये एक्स नोट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस एम जी एक्स नोट। स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा, एम जी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, और टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भी मैक्सिमम होगा। बच्चों मैं सॉल्व नहीं कर रहा, एक्स नॉट की वैल्यू ये कैलकुलेट की हुई है हमने, उसे वहां पुट कर दीजिए, बाकी सब कट कुट कर, और वी मैक्सिमम आ जाएगा आपका। मंडे को मैं पावर स्टार्ट कर दूंगा, पावर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो भी वर्क का ही एक पार्ट है। उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वेडनेसडे तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेली क्लास है ना, तो थोड़ा स्पीड लग रहा है, बाकी है नहीं, नंबर ऑफ लेक्चर्स में ज्यादा ही ले रहा हूं आपकी क्लास में। और थर्सडे से सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास छुट्टी पर जाने से पहले हमें कंप्लीट करना है, फिर रोटेशन बचेगा वो हम मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी के बाद करेंगे, दिवाली के बाद। अब इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूं। एक स्प्रिंग है, उसका के है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। एक 2 किलो की बॉडी को हमने यहां से ड्रॉप किया है, हाइट से। इस बॉडी ने स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस किया 10 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं, बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप किया, तो इसमें बॉडी नीचे आकर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, मैक्सिमम कंप्रेशन इज 10 सेंटीमीटर। आपको एच बताना है कितना है।
देखिए बच्चों, बॉडी जब मैक्सिमम स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेगी तो वहां बॉडी की वेलोसिटी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां लगाऊं? सीधे यहां से सीधे वहां तक, बीच में रुकने की जरूरत ही नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से देखिए बेटा, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, यहां से यहां तक सिर्फ mg लग रहा है, kx नहीं है, लेकिन इसके बाद स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों लिखा? इनिशियल और फाइनल दोनों स्पीड जीरो है बेटा। स्प्रिंग x कंप्रेस हुई, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन हो, माइनस हाफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, और mg का, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है? क्योंकि बेटा mg तो तब भी लगा जब h था और तब भी लगा जब x था, तो mg के लिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h प्लस x है। तो ये आएगा हाफ kx स्क्वायर को एक साइड ले जाइए, mg h प्लस x। बेटा k कितना है? 1000। हाँ कन्वर्ट कर लिया, x मैंने कितना दिया है? 0.1, 10 सेंटीमीटर दिया है मैंने। 0.1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 0.01। mg कितना है? 20। h मुझे निकालना है और x कितना है? 0.1। ये मेरा बच्चा 10 बचेगा, 10 बाई टू 5 बचेगा, 5 से 20 कैंसिल होगा, ये 1/4 आएगा, इधर 1/4 0.25 आएगा और 0.1 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही था, 15 सेंटीमीटर। अरे 0.25 माइनस 0.1 कितना होता है? 0.15, और ये मीटर में आएगा तो h कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, सिर्फ एक जने का सही है। बोला नहीं, मैं नहीं मानता, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। वैसे इसमें कन्वर्ट नहीं करने से आंसर सेम आ रहा है क्या? फिर आपको बहुत कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी आपको 1000 लेना पड़ेगा, मास आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, और अगर आ रहा है तो तुक्का ही है वो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि कन्वर्जन किए बिना अगर किसी क्वेश्चन में आंसर आ जाए तो या तो फिर आपको इतनी अवेयरनेस हो कि वो सारी यूनिट कैंसिल हो गई हो जिनको हमने कन्वर्ट नहीं किया, ध्यान रखो तो ठीक है। जैसे मैंने सर्कुलर मोशन में वो आरपीएम वाले क्वेश्चन में बताया, अरे तो मैंने इतना ध्यान रखा तब मैंने उस यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हर चीज का ध्यान रखा, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किया ताकि मिनट से मिनट कट जाए। तो बेटा फिर आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा, वरना ये कि अगर हम कुछ भी नहीं किया और अवेयर भी नहीं थे और आंसर भी आ गया तो फिर प्रसाद बनता है भगवान का, क्योंकि उन्होंने ही सही किया है। एक बात बताइए इस क्वेश्चन में, और सोचकर बोलना, जल्दी नहीं करना, रिलैक्स होकर सोचना फिर बोलना। बॉडी की स्पीड मैक्सिमम कब होगी? बॉडी की स्पीड में 10 से 15 सेकंड तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आंसर, बोलना भी मत, आता है तो भी मत बोलो। बॉडी की स्पीड मैक्सिमम कब होगी? क्योंकि जो लोग सोचते नहीं है उनका आंसर तो ये है
कि जब वो स्प्रिंग को टच करेगा, और ये आंसर गलत है। नहीं, मैं बता दूं, आप लोगों से मैंने पूछा नहीं, पहले ही बोल दिया कि ये बहुत कॉमन आंसर है, क्योंकि उनको सोचने की आदत नहीं है, तो वो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं कि सर जब बॉडी स्प्रिंग को टच करेगी, और ये आंसर गलत है। अब बोलो, इसलिए मैंने आपको चुप कराया था कि मेरे क्वेश्चन सुनते ही जो आपके बोलने की आदत है उसको चेंज करना है। अब बताओ मैक्सिमम, मैंने अभी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा है कहां होगी, वो कौन सी पोजीशन है जहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी। बेटा ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन आज पहली बार सुन रहा हूं, ये कोई वर्ड है? ये मीन क्या होता है? नेचुरल लेंथ तो अभी है जो दिख रहा है, और नेचुरल लेंथ बोलते हैं, मीन नहीं बोलते, और वो तो गलत बोल ही रहा हूं मैं, गलत है, मीन कोई वर्ड नहीं है। तुमने बाउंस करा दिया, यानी कि फिर वही आंसर दे रहे हो जिसको मैं मना कर रहा हूं कि नेचुरल लेंथ। आप लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स जो सीखा है पीछे उसे यूज कर सकते हैं तो करिए। किसी भी बॉडी की स्पीड जब तक बढ़ती है जब तक बॉडी एक्सेलरेट होती है, और एक्सेलरेट जब तक होती है जब तक उस पर टोटल फोर्स जीरो नहीं हो जाता। मुझे एक बात बताइए, जब इसने स्प्रिंग को टच किया है उस समय इस पर mg के अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग नहीं लग रहा, अभी टच किया है, दबाया नहीं है। स्प्रिंग फोर्स लगता है जब स्प्रिंग दबती है, टच करने से नहीं लगता। तो स्प्रिंग, जब बॉडी स्प्रिंग को टच करेगी तो mg लगेगा, और इससे पहले भी mg लग रहा था, तो अभी ये मैक्सिमम कहां हुआ है? स्प्रिंग को दबाएगा तो ऊपर kx लगेगा, लेकिन अभी भी mg बड़ा है, स्पीड बढ़ेगी, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां kx mg को बैलेंस कर देगा, यहां स्पीड मैक्सिमम होगी। सुन रहे हैं आप? मैक्सिमम स्पीड टच करने पर नहीं होगी, बल्कि वहां होगी जहां स्प्रिंग फोर्स kx mg को बैलेंस कर देगा। याद कीजिए, उस वाले डिस्कशन में भी यही था, कॉन्सेप्ट को कभी छोड़िएगा नहीं। तो बेटा kx नॉट इज इक्वल टू mg करने से x नॉट कितना आएगा? mg बाई के 20/10, यानी कि 2 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, कितना? तो बेटा यहां पर मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, यहां पर होगी, और ये डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर, और यहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी। मैंने गलत तो कैलकुलेट नहीं किया, mg बाय k, mg कितना है 20 और k कितना है 10, तो सही बोला हूं 2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या होगा? kx हो जाएगा बड़ा, mg हो जाएगा छोटा, तो नेट फोर्स ऊपर आएगा, बॉडी रिटार्ड होना शुरू होगी, और रिटार्ड होते 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 कहां रुकेगी? 10 पर, जो मैंने क्वेश्चन में दिया है। मैक्सिमम कंप्रेशन 10 है ना, तो 2 से 10 तक रिटार्ड होगी। अब अगर हमें स्पीड निकालनी हो ये मैक्सिमम वाली, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, कहां से कहां तक? इनिशियल से 2 तक, 0 तक नहीं। ये शुभ काम कर दें, तो मैक्सिमम स्पीड हो निकाल दीजिए, बाकी का डिस्कशन कल मंडे को। मैक्सिमम स्पीड और निकाल दीजिए प्लीज, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिएगा।
अविडर, मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ। वर्क डन बाय एमजी होगा एमजी एच प्लस एक्स नॉट, वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। बेटा ये लाइनिंग मेरे लिए फिजिक्स होती है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं, अगर प्रॉब्लम हो तो यहां पूछा करो, इसके बाद वाली कोई लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। सिर्फ ये वो लाइन होती है जहां आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एमजी कितना है 20, एच कितना निकाला 0.15 और एक्स नॉट 2, 15 प्लस 2 0.17 सेंटीमीटर, हाफ के कितना है 1000 और एक्स नॉट कितना है 0.02, 0.2 नहीं है, 0.02 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये 3.4 आएगा ना, और ये कितना आएगा 0.2 आएगा, ये इज इक्वल टू वी मैक्सिमम स्क्वायर, तो v मैक्सिमम आ गया रूट 3.2 मीटर पर सेकेंड, इसे सॉल्व कर लेना जिस भी फॉर्म में आओ, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर को रिपीट किया करो पूरा घर जाकर।